अब यहाँ पे मैं अपना छतड़ा चौड़ा करके जाता हूँ यहाँ पे इस एयर ड्रॉप को लूटने के लिए, लेकिन मेरे को पेड़ पे दिखता है एक पोरिया और मेरा पिंग हाई है और नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाके बाजूड में। और भाई ये गेम प्ले होने वाला है तुम्हारे भाई का इस मोड का सबसे हाईएस्ट किल्स गेम प्ले अब तक का। अब किल्स कितने होने वाले हैं ये तुम लोग को आगे जाके पता चले जाएगा। फिलहाल उतरता हूँ यहाँ पे, हाथ में लगते है एक बंदूक और उतने में आसमान से गिरता है एक पोरिया। अब ये कर दिया इसको खोखड़े के अंदर पैक और उतने में आगे से आता है एक और पोरिया मेरे ऊपर गोली चलाते हुए। और भाई यहाँ से नीचे से एक और पोरिया आता है ऊपर उड़ते उड़ते और एक स्प्रे में इन दोनों को लपेट लेता हूँ। उतने में आता है एक और पोरिया और भाई इस पोरिया को तो मैंने फ्री फायर में ही लपेट लिया और यहाँ पे उतरते ही हो जाते हैं तुम्हारे भाई के चार किल। शुरुआत बहुत बढ़िया होते हुए। अब उसके बाद मैं आता हूँ बाजू वाले बिल्डिंग में और उतने में मेरे टीममेट को कोई नॉक कर देता है। अब जो पोरा मेरे टीममेट को नॉक करता है मैं उसको नॉक कर देता हूँ और जाता हूँ फटाक से आगे उस पोरा को पेटी के अंदर पैक करने के लिए और अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। अब यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद मैं पोरे शो दे रहा होता हूँ उतने में मुंह पे आ जाता है एक पोरा। अब भाई इस पोरा को पूरा डैमेज मैं देता हूँ लेकिन किल मिल जाती है अपने टीममेट को। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे पे मैं और पोरों को देख रहा होता हूँ उतने में पीछे से एक पोरा आ जाता है ऊपर। अब ये नीचे गिर जाता है तो मैं ढूंढता हूँ इसको नीचे पे। फ्री फायर और फाइनली तुम्हारे भाई ने इस पोरे को भी नॉक कर दिया। अब डालता हूँ मैं इसकी पेटी, यहाँ पे हो जाते हैं अपने 6 किल्स। अब उसके बाद मेरा टीममेट यहाँ पे ऊपर पे मार्क लगा रहा होता है और वहाँ पे कासल की बालकनी में एक पोरा होता भी, लेकिन भाई ये अपना थोबड़ा दिखा नहीं रहा होता और उसके ऊपर ग्रेड भी पहुँच रहा नहीं होता है, तो मैं जाता हूँ अंदर कासल के अंदर इस पोरे के ऊपर रश डालने के लिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कासल के अंदर और मैं यहाँ पे बिल्कुल संभल के हर जगह पे देख देख के इस पोरा को मारने के लिए जा रहा होता हूँ, क्योंकि भाई ये पोरा कहीं में भी छुप के कैंपिंग डाल के बैठ रखा होगा। लेकिन भाई जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तब मेरे को पता चलता है कि ये पोरा यहाँ से सटक लिया मेरे भाई। और जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एरिया में सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर बाकी और वो भी मैं और मेरा टीममेट है, तो मैं जाता हूँ फटाक से सेंटर में जीनी बुलाने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे किसी ने पहले से ही जीनी बुला रखा था। अच्छा होता है कि यहाँ पे 2 रिस्पॉन कार्ड पड़े हुए होते तो उसमें से एक कार्ड में उठा लेता हूँ और एक कार्ड देता हूँ अपने टीममेट को। अब उसके बाद हम निकलते हैं वहाँ से, गाड़ी उठाते हैं। हमको यहाँ पे गेम ने मिल्टा में फेंका था लेकिन वहाँ पे कुछ मारा मारा होती नहीं, तो मैं उठाता हूँ गाड़ी और यहाँ पे मेरा एक टीममेट होता है। और अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, ये मेरा टीममेट है और इसका नंबर है 3 और ये यहाँ पे घुस गया इस शेक के अंदर और ये एरिया है पोशिंग के पास, ये जो गेहूं का खेत है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा एक और टीममेट सामने पे होता है और यहाँ पे बहुत सारे एयर ड्रॉप होते हैं, लेकिन मेरे को झाड़ के पीछे एक पोरा दिखता है। और भाई मैं इतना नुबड़ा नहीं हूँ कि मैं पोरे के चादड़े पे जाके गाड़ी रोकूं और एग्जिट दबाऊ भी नहीं। यहाँ पे मैं एग्जिट दबा रहा था लेकिन भाई मेरा कैरेक्टर गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पे लगभग गड़बड़ हो गई थी लेकिन मैं बच गया। अब हम यहाँ से निकल ही रहे होते उतने मेरे को आते फुटस्टेप। और मेरे को पूरा दिखता है ये ऊपर ड्रॉप के पीछे। अब ये कर दिया इस पोरा को नॉक एंड फिनिश। और भाई जिस हिसाब से यहाँ पे किल मिल रहे थे एक एक करके, सिर्फ और सिर्फ 9 किल्स हुए, 30 प्लेयर अलाइव हुए उसमें से भी 4 हम लोग है। लगा नहीं था कि इस मोड में बहुत सारे किल्स निकलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे गाड़ी में पोरे शोत रहे थे और इसको देखो। अब यहाँ पे ये पोरा है किस पे तो भी ग्रेनेड फेंक रहा होता है और मैं साइड से गाड़ी से इसको चेंगर डालता हूँ।
अब ये डालता हूँ मैं इसकी पूरी पेटी, और यहाँ पे ये किसके ऊपर तो भी ग्रेनेड फेंक रहा होता है, तो मेरे को लगता है कि ये पूरा होगा इस ट्रिपल स्टोरी में। तुम इसको देख रहा होता हूँ, लेकिन भाई मैं ट्रिपल स्टोरी में अंदर तक जाके आता हूँ, पूरा गच्ची से ऊपर से कूद ही मारता हूँ, और यहाँ पे मैं इस पूरा को लूट रहा होता हूँ। उतने में मेरे को आते हैं फुटस्टेप। अब ये फुटस्टेप आते हैं यहाँ पे इस सामने वाले घर से, इसका मतलब ये पूरा यहाँ पे अंदर पे बैठ रखा है। Watch out. लेकिन भाई उतने में यहाँ पे पीछे से एक बिट्टा आता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये फुटस्टेप होंगे इस बिट्टा के, लेकिन इस घर के अंदर। यहाँ पे इस घर के अंदर एक पोरा बैठ रखा था अपना जो मुट्ठी में लेके बिल्कुल कोपचे में, और ये मेरे को खिड़की से दिख जाता है, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी गई थी, तो मैं और मेरा टीममेट बैठे हैं गाड़ी में और करते उसका पीछा। अब ये पोरे अपनी गाड़ी रोक देते हैं यहाँ पे पोचिंग के वाले स्क्वाड हाउस में, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई गाड़ी यहाँ पे ले लो, लेकिन मेरा टीममेट पता नहीं भाई गाड़ी कहाँ पे लेके जाता है। तो मैं उतरता हूँ यहाँ पे अपने टीममेट के गाड़ी में से और जाता हूँ आगे, और ये मेरा टीममेट देखो भाई गाड़ी उड़ा के सीधा अंदर घुस गया, और वहाँ पे जाके अपने टीममेट ने कुट की बेटी बना ली मेरे भाई। अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पोरा होगा, तो मैं यहाँ पे अंधा रश कर देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चलता है कि इस घर के अंदर दरअसल दो पोरे बैठ रखे। अब यहाँ पे मेरे पास जो गोला बारूद होता है, मैं सारा का सारा गोला बारूद ऊपर दाग देता हूँ और जाता हूँ ऊपर इन पोरों को देखने के लिए। और ये पोरे भाई ऊपर भी अपनी पूरी सिस्टम बैठा के रखे, एक पोरा बैठ रखा है दरवाजे पे और एक पोरा बैठ रखा है गच्ची पे जाने वाली पायरी पे। इसका मतलब जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा ये मेरे को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये पादरा बॉम्ब डाल रखा था, तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं होता है, तो जैसे ये धुआं हटता है मैं जाता हूँ फिर से ऊपर इनको देखने के लिए, और यहाँ पे दूर से एक पोरा इनके ऊपर गोली चला रहा होता है। और उसका फायदा मेरे को हो जाता है। और यहाँ पे इसका दूसरा टीममेट गच्ची पे जाने वाले पायरे पे बैठ रखा होता है, तो मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे देता है, तो मैं आता हूँ नीचे यहाँ पे हीलिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हीलिंग करने के बाद मेरे को फुटस्टेप आते है कि ये पूरा अंदर घुस चुका है पैनिक रूम के, तो मैं लेता हूँ एक मौली और मार के फेंकता हूँ इसके थवाड़े पे। और खत्म मेरे भाई। यहाँ पे ये आग लग जाती है इस पोरा के डुंगन पे, और ये पोरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इन पोरों को मारने के बाद मैं इनको लूटता हूँ, और यहाँ पे पोचिंगी के अंदर हाना मारा चल रही होती, तो मैं जाता हूँ फटाक से वहाँ पे किल्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 किल्स है और प्लेयर सिर्फ और सिर्फ 12 लाए हुए, तो मैं जाता हूँ फटाक से आगे इन पोरों को देखने के लिए। अब यहाँ पे सामने पे गोली चल रही होती है, तो मैं आ जाता हूँ इस क्वाड हाउस के अंदर। अब यहाँ पे मैं खिड़की में से इन पोरों को देख रहा होता हूँ, और ये पोरे होते हैं भाई इस ट्रिपल स्टोरी में, और यहाँ पे गच्ची पे से कर रहे होते हैं स्नाइपिंग, तो मैं आता हूँ यहाँ पे इस दूसरी खिड़की में, और मेरे को गच्ची पे एक पोरा दिखता है। अब ये कर दे इसको नॉक, और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एंगल को देखना, ये आता है पायरी पे और इसका टीममेट भी यहीं पे, और भाई एक स्प्रे में दोनों ख़त्म हो गए। और अब तुम ये देखो, इनको ख़त्म किया, नीचे से एक और पोरा ऊपर आता है, ये कर दिया इसको भी नॉक, एक और पोरा आता है, ये कर दिया इसको भी नॉक, और अभी तो ज़रा रुको, ये डाल दी मेरे भाई इन दोनों की भी पेटी, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक ही जगह पे बैठ के एक पूरी स्क्वाड खाली कर दी। अब यहाँ पे इनको मारने के बाद मैं भागता हूँ पीछे पे जोन में, लेकिन उतने में साइड के घर में से मेरे को आते हैं फुटस्टेप, तो मैं यहाँ पे रुकता नहीं, सीधा भागता हूँ यहाँ पे इन सामने वाले घरों में, और ऐसे इस पोरा को देख रहा होता हूँ, और मेरे को ये दिख भी जाता है, और ये कर दिया इसको भी ख़त्म, और इसी के साथ तुम्हारे भाई के होते हैं 19 किल, और भाई तुम्हारे भाई के इस मोड में 19 किल सबसे हाईएस्ट किल्स है।
19 किल के ऊपर में कभी गया नहीं। अब यहाँ पे इनको ख़त्म करने के बाद मैं भागता हूँ यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे वापस, और उतने में मेरे को भाई पता चलता है कि यहाँ पे मेरा एक और टीममेट जिंदा है। और भाई ये वही टीममेट है 3 नंबर जिसको मैंने पीछे पहले शैक में छोड़ा था, जो वहाँ पे शैक के अंदर कैंपिंग डाल के बैठ रखा था, और भाई ये अभी तक जिंदा है। देख रहे हो मेरे भाई कैंपिंग करने के फ़ायदे। अब यहाँ पे मेरे को इसका तो कोई उपयोग होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि अपना एक टीममेट जिंदा है, और अगर मैं यहाँ पे गलती से नॉक हो गया तो शायद मेरे को रिवाइव भी मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे दूर पे एक पोरा चला रहा होता है एसकेएस, और मेरे को ये पोरा दिख जाता है। अब देता हूँ मैं इस पोरा को 2-3 पटके, बिल्कुल 1-2 गोली का ही बचा होगा, लेकिन भाई ये कवर में घुस जाता है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बाहर बालकनी में, क्योंकि पीछे पे तो जोन नहीं होता है, तो जो भी पोरे है वो सारे सामने होंगे। अब मैं इस एसकेएस वाले पोरे को देख रहा होता हूँ, उतने में मेरे को इस दुगुड़ के पीछे दिखता है एक पोरा रेंगाड़ते हुए। और मेरे भाई इसी के साथ तुम्हारे भाई की हो गई यहाँ पे 20 किल्स, हाईएस्ट किल्स इस वाले मोड में, मतलब और होंगे आगे रुको जरा, लेकिन फिर भी भाई 20 किल हो गए फाइनली। अब यहाँ पे होते अपने 20 किल, लेकिन यहाँ पे अपने पे जोन नहीं होता, तो मैं यहाँ से कूदता हूँ नीचे, बनाता हूँ यहाँ पे एक पोर्टल और फटाक से चला जाता हूँ इस घर के अंदर। और भाई यहाँ पे बाजू वाले घर से मेरे को आ जाते फुटस्टेप। अब यहाँ पे मेरे को इस पोरा का टकला दिखता है थोड़ा सा इस खिड़की में से, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक ग्रेनेड और ये बूमबास्टिक, ये कर दिया इस पोरा को भी ख़त्म, हो गए यहाँ पे अपने 21 किल। अब यहाँ पे भाई 4 बंदे अलाइव है मेरे को और मेरे टीममेट को गिन के। अब पता नहीं भाई ये पोरे कहाँ पे भी होंगे। अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये पोरे बैठ रखे हैं यहाँ पे इस पेड़ के पीछे, तो मैं यहाँ पे ये नच बलिए वाला ग्रेनेड फेंक के मारता हूँ। अब ये पता नहीं ये ग्रेनेड कहाँ पे चला गया, लेकिन फेंकूँगा भाई, एक और फेंकता हूँ बिल्कुल इस पेड़ के ऊपर, लेकिन भाई वहाँ पे भी कोई होता नहीं, लेकिन जोन आना चालू हो गया है, तो हाँ मैं जोन में जाना होगा। तो मैं लेता हूँ पोर्टल, बनाता हूँ यहाँ पे और घुस जाता हूँ फटाक से इस घर के अंदर। उतने में भाई आ जाते फुटस्टेप। अब ये पोरे आ गया है इस झाड़ के पीछे, और ये हराम खोर यहाँ पे जोन के बाहर जाके मर गया मेरे भाई। भाई अगर तेरे को मरना ही था तो मेरे हाथ तो मर जाता भाई, मेरे को कम से कम 1 किल ज़्यादा की तो मिल जाती। खैर ये यहाँ पे मर जाता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पोरा जिंदा है। अब यहाँ पे ये पोरा पक्का इस वैन के पीछे होगा ऐसा मेरे को लग रहा होता है, और भाई होता भी वैसा ही है। तो मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ एक नचबले वाला ग्रेनेड, और भाई इस ग्रेनेड ने पूरी वैन कवर कर रखी है, लेकिन भाई इसके अंदर कोई प्लेयर आया नहीं, तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं होता कि ये पोरा कहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ और उसके बाद सीधा रश कर देता हूँ यहाँ पे इस वैन के पास। अब मैं आता हूँ इस वैन के पास और मेरे को उत्ते में आ जाते हैं फुटस्टेप। और इसी के साथ 22 किल के साथ एक बढ़िया सा कोमड़ा डिनर, इसकी मियाँ क्या हाईएस्ट किल्स इस नए वाले गेम मोड में अब तक के लिए। हाँ अब तक के लिए, क्योंकि अभी भी एक गेम मोड बहुत ज़्यादा बाकी है, और आगे जाके शायद से ज़्यादा किल्स भी हो सकते हैं। अपना अगला टारगेट होने वाला है 25 किल का, बिल्कुल कैंप 25 है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम लोग की वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाके बाज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।